हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल किचन रेसिपीज़। हेलो दोस्तों, आज हम गणेश चतुर्थी स्पेशल मोदक बनाएंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने ये कढ़ाई गरम करने के लिए रख दी थी, जिसमें हमने एक कटोरी चीनी और थोड़ा सा पानी डाला है। तो सबसे पहले हम मोदक के लिए चाशनी तैयार करेंगे। थोड़ा सा हम इसमें फूड कलर डालेंगे, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आपके पास हो तो आप डाल सकते हैं, वरना नहीं भी। एक चम्मच हम इसमें घी डाल देंगे ताकि चाशनी हमारी जमे नहीं। तो ये चाशनी हमारी रेडी है। तो अब हम इसे दूसरे बर्तन में ट्रांसफर कर लेंगे। कढ़ाई को हमने क्लीन कर लिया है। इसके बाद हमने इसमें 3 चम्मच घी डाला है। घी के मेल्ट हो जाने पे हम इसमें बेसन डालेंगे। तो अब हम इसमें 1 कटोरी बेसन डाल देंगे। लगातार चलाते हुए हम इसे 3 से 4 मिनट के लिए भून लेंगे। 1 चम्मच घी हम इसमें और डालेंगे। ये बेसन हमारा अच्छे से भून चुका है, तो अब हम इसमें तैयार की हुई चाशनी डाल देंगे। लगातार चलाते हुए हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए चाशनी में पकाएंगे। तो अब हम इसमें मिल्क पाउडर डालेंगे। जिस कटोरी से हमने माप के बेसन लिया था, उसी कटोरी से माप के हमने मिल्क पाउडर लिया है। अब दोनों चीज़ों को हम अच्छे से चलाते रहेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्स ना पड़े। थोड़ा सा फूड कलर हम इसमें और डालेंगे। तो ये देखिए, ये मोदक का मिक्सचर बनके हमारा बिल्कुल तैयार है। इसने कढ़ाई की सतह को बिल्कुल अच्छे से छोड़ दिया है। तो अब हम गैस को बंद कर लेंगे। अब हम इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। अभी ये बहुत ही गर्म है, तो थोड़ा सा ठंडा करने के बाद हम इसका मोदक तैयार करेंगे।
तो ये देखिए, ये मिक्सचर हमारा बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो चुका है। तो ये हमने मोदक बनाने वाला साँचा लिया है, इसे हम पहले घी से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें तैयार किया हुआ मिक्सचर स्टफ करेंगे। बिल्कुल अच्छे से हम इसमें दबा दबा के स्टफ कर लेंगे मिक्सचर को। हमने मिक्सचर को बिल्कुल अच्छे से स्टफ कर लिया है, अब हम आपको खोल के दिखाते हैं। तो ये देखिए, ये बिल्कुल परफेक्ट मोदक बन के हमारे बिल्कुल तैयार हैं। तो ये देखिए, ये हमने सारे मोदक बना के तैयार कर लिए हैं। आप भी इसे बना के ज़रूर ट्राई करें। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और जाते जाते वीडियो को लाइक करते जाएं। थैंक यू।